आज तमाम मजहब के लोगों के अंदर बेहतरीन जिम्मेदारों को आगे पेश किया जा रहा है और मुसलमानों के बीच सिंबल के नाम पर, पार्टी के नाम पर मुसलमान किसको भी टिकट दिए तो आप वोट डालेंगे। सीट बचाना है, सीट बचाना है, सीट बचाने के लिए आप तो सीट बचा लिए, मगर एक मामला ऐसा बताइए जहां पे आपको महसूस हुआ है कि हाँ गुलबर्गा शहर के अंदर हमारी सीट है। फासिस्ट ताकतें मुसलमानों को कमजोर दिखाना चाहते हैं, उनके मुकाबले में खड़े हों और उनके आंख में आंख डालकर ये सवाल पूछा जाए। आपका भाई, आपका बेटा तैयार है उस लड़ाई के लिए। सीट बचाने के नाम पर कमजोर खयानत को वोट देना, ये मिल्लत के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी है। अल्लाह के वास्ते ये गलती मत कीजिए। सीट बचाएंगे तो मजबूत खयानत को आगे पेश करेंगे। कमजोर खयानत के नतीजा बहुत बड़ा खामियाजा मिल्लत को भुगतना पड़ रहा है। दिस वीडियो प्रेजेंटेड बाय रायदान मल्टी क्विजीन रेस्टोरेंट, वैरायटी ऑफ ट्रेडिशनल फूड्स, अरेबियन, टर्किश, मिडिल ईस्ट, ग्रैंड इंटीरियर, जेन्युइन स्पाइसेस, हाइजीनिक किचन, एड्रेस टीपू सुल्तान चौक, रिंग रोड, गुलबर्ग। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं यहाँ पर शॉप टू शॉप आवामी बेदारी की मुहिम के तहत यहाँ पर आया था और आपसे मुलाकात करने के लिए यहाँ पर पहुँचा हूँ, सिर्फ इसी मकसद के तहत कि आपसे इजाज़त लूँ, क्योंकि मैं दो इलेक्शन लड़ चुका हूँ। दो इलेक्शन हारने के बावजूद मैंने कभी अपनी शिकस्त नहीं मानी और हर मसले के अंदर, हर मामलात के अंदर अपने आप को, जब भी मिल्लत के सामने सवाल आए हैं, मैं अपने आप को पेश किया हूँ, लड़ते आया हूँ। ये तीसरा इलेक्शन है आज के इस नाजुक दौर में, जबकि मिल्लत के सामने मुसलसिल चैलेंजेस हैं, मुसलसिल सवालात खड़े किए जा रहे हैं फासिस्ट भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के खिलाफ। हमको सीट तो बचाना है, सीट भी बचाने की जिम्मेदारी आपकी है। सीट बचा लिए हम, मगर पाँच साल में कभी किसी को महसूस नहीं हुआ कि ये सीट पे हमारी है। किसी मसले के अंदर उन्होंने अपने लफ्ज को नहीं खोला। असेंबली के अंदर एक मामले में, चाहे वो हिजाब का मामला हो, अड़ंत का मामला हो, एनआरसी का मामला हो, किसी मामले पे असेंबली में बात नहीं करे। आपके बीच में मैं आपसे पूछने आया हूँ, मैं आपके भाई हूँ, आप ही के बीच में रहने वाला हूँ। मिल्लत का दर्द मेरे सीने में है, एक तड़प को लेकर के आगे बढ़ रहा हूँ, आपसे पूछने आया हूँ, जिनके लिए लड़ रहा हूँ, चाहे वो नेशनल मीडिया पे हो, मैं आपकी आवाज़ बन करके बीजेपी और आरएसएस के खिलाफ लड़ रहा हूँ। अब आपसे तलब कर रहा हूँ, आपसे इसलिए पूछने आया हूँ कि आपके लिए लड़ रहा हूँ। अगर आपको मेरी जीत और हार से कोई फर्क महसूस नहीं होता तो मेरी लड़ाई बेमानी है, मतलब की नहीं, कोई मतलब की नहीं है मेरी लड़ाई। मैं लड़ रहा हूँ आपके लिए लड़ रहा हूँ, मिल्लत के लिए लड़ रहा हूँ। मैं इसलिए लड़ रहा हूँ कि हिंदू के एक ताकतें ऐसी है, फासिस्ट ताकतें जो साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि मुसलमान हिंदुस्तान में सेकंड क्लास सिटीजन है। हिंदुस्तान में मुसलमान सेकंड क्लास सिटीजन नहीं है, ये मुल्क हमारा है। हिंदू मुस्लिम भाइयों की तरह रहे हैं, भाइयों की तरह रहेंगे। आज मुसलमानों को ज़रूरत इस बात की है कि जो फासिस्ट ताकतें मुसलमानों को कमज़ोर दिखाना चाहते हैं, उनके मुकाबले में खड़े हों और उनके आंख में आंख डालकर ये सवाल पूछा जाए। आपका भाई, आपका बेटा तैयार है उस लड़ाई के लिए। आपसे इजाज़त मांगने के लिए आया हूँ। आप अगर साथ देंगे तो जब तक जिंदा हो रोड पे भी एहतजाज करूँगा और असेंबली में भी भारतीय जनता पार्टी के उन फासिस्ट ताकतों के खिलाफ मुंह तोड़ जवाब दूंगा। बोलिए मुझे क्या करना चाहिए, मैं लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए, मैं आगे बढ़ना चाहिए नहीं बढ़ना चाहिए। मेरे को वादा चाहिए आप लोगों का साथ, साथ देंगे, आप ही कैंडिडेट है समझ के आप काम करेंगे तो मैं आगे बढ़ सकता हूँ। आपकी खामोशी ऐसे लोगों को ताकत दे रही है, उनको हिम्मत बढ़ा रही है। वो सोच रहे हैं कि सिंबल के नाम पर, पार्टी के नाम पर मुसलमान किसको भी टिकट दिए तो आप वोट डालेंगे। ये मुसलमानों को कमजोर बना रही है, मुसलमानों की खयादत को कमजोर बना रही है। आज तमाम मजहब के लोगों के अंदर बेहतरीन जिम्मेदारों को आगे पेश किया जा रहा है और मुसलमानों के बीच आज गुलबर्गा जिले में एक वाहिद सीट है मुसलमानों की, जहां पर हमारी अक्सरियत ज्यादा है। यहां के वोटर्स की जिम्मेदारी है कि आप लोग पार्टी के नाम पर वोट ना दें, आप लोग ऐसे शख्स को वोट दें जो आपकी इज्जत के, आपके जो है शान के हिसाब से काम करें। आज अड़न का मामला हुआ, कल ये मामला अफजलपुर में हो सकता है, कल ये मामला जेवरगी में हो सकता है, कल ये मामला कमलापुर में हो सकता है, गुरमिटकल में हो सकता है। पूरे ज़िले के मुसलमानों की नज़र, सेकुलर हिंदू भाइयों की नज़र यहाँ पर गुलबर्गा शहर के ऊपर टिकी हुई है। अल्लाह के वास्ते, आपको ईमान का वास्ता, आप वोट पार्टियों के नाम पर मत दीजिए, पार्टियों को तस्कीन करने के लिए, खुशामदीद करने के लिए मत दीजिए। पार्टी के जिम्मेदार
मिल्ली खयादत को मजबूत करने के लिए काम करने वाले हैं नहीं है वो सवाल नहीं है, जिम्मेदारी मुसलमानों की है। आपको जो महसूस होता है कि सबसे बेहतरीन आपकी आवाज कौन बन सकता है, मुसलमानों के लिए सबसे बेहतरीन लीडर कौन हो सकता है, कौन हमारी हिजाब के मामले में हमारी बहनों की हिफाजत कर सकता है, आवाज बुलंद कर सकता है। शरीयत में मुजाकिरत की जा रही है, हमारे दरगाहों पर मुसलसिल तौर पर अटैक किया जा रहा है। अड़ंत का मामला आप देख रहे हैं, गलती एक साल की गलती हुई, मैं समझता हूँ आगे आने वाले नौजवान बच्चों तक भी ये लड़ाई चलने वाली है। हर साल शिवरात्रि के दिन लड़ना है। कमजोर खयादत के नतीजा बहुत बड़ा खामियाजा मिल्लत को भुगतना पड़ रहा है। नाम के वास्ते वोट मत दीजिए, पार्टी को देके वोट मत दीजिए, सीट बचाना है सीट बचाना है, सीट बचाने के लिए आप तो सीट बचा लिए, मगर एक मामला ऐसा बताइए जहां पे आपको महसूस हुआ है कि हाँ गुलबर्गा शहर के अंदर हमारी सीट है। अभी महसूस हुआ गरीब ठेला बंडियों को पीटा जा रहा है, गरीब ऑटो ड्राइवर को पीटा जा रहा है, उलमाए क्राइम को कोविड के अंदर पीटा जा रहा है, एक लफ्ज बोलने के लिए तैयार नहीं है। जरूरत नहीं है ऐसी सीट की, सीट बचाएंगे तो मजबूत खयालत को आगे पेश करेंगे, सीट बचाएंगे इंशाल्लाह। गुलबर्गा शहर की तारीख रही है, इतिहाद का सबूत देती आई है, सबूत देंगे, मगर आप लोगों की अगर खामोशी है तो पार्टी के लोग आकर के माहौल बिगाड़ेंगे। ये इलेक्शन कॉर्पोरेटर का इलेक्शन नहीं है, अल्लाह के वास्ते ये कॉर्पोरेशन का इलेक्शन नहीं है। गुलबर्गा शहर में 55 कॉर्पोरेटर्स हैं, ये इलेक्शन हैदराबाद कर्नाटक के लिए एक मुस्लिम खयादत देने की बात है। आगे आने वाले दिनों के अंदर असेंबली में यूनिफॉर्म सिविल कोड का मामला हो सकता है। एक ऐसे मुसलमान को वोट दीजिए जो कर्नाटक में बहस कर सकता है, शरीयत को जानने वाला, इसके बारे में आप सोचिए, सोच के हक का फैसला कीजिए। नाम के वास्ते वोट डालना ये मिल्लत के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी है, बहुत बड़ी नाइंसाफी है। सीट बचाने के नाम पर कमजोर खयादत को वोट देना ये मिल्लत के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी है। अल्लाह के वास्ते ये गलती मत कीजिए, ये आगे हमारे आने वाले दिनों के अंदर ये मासूम बच्चे शर्मिंदा ना हो कि भाई हमारे आबा आजाद ये कैसे फैसले लिए जहाँ पर हमको कमजोर नजर आना है। हम हिंदुस्तान में हैं तो आंख में आंख मिला करके बात करेंगे, सीना चौड़ा करके हम चलेंगे। ये मुल्क हमारा है, इस मुल्क को आज़ाद करने के लिए हमें हमारे आबा आजाद ने कुर्बानियाँ दी हैं। जब तक जिंदा है इस मुल्क को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनाने का हमारा ख्वाब है, क्योंकि ये मुल्क हमारा है, मुसलमानों का मुल्क, हिंदुओं का मुल्क, दलितों का मुल्क। आपसे इजाज़त मांगने आया हूँ, आप सब लोग अगर साथ देने का वादा करते हैं तो मैं आप दिन रात काम करूंगा। आवाज नहीं आ रही भाई आपकी, साथ देंगे भाई, आप ही कैंडिडेट समझ के काम करेंगे। जजाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया।